नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आईपीएल से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं आपके लिए, और ये खबर कुछ इस तरीके से है कि अब आईपीएल जो है, यानी कि जो आने वाला आईपीएल होगा 2022 का जो आईपीएल होगा, वो अब और भी मजेदार बनेगा। उसमें अब और भी एडवेंचर देखने को मिलेंगे, गेम्स जो हैं वो और भी एक्साइटिंग देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि अब हो सकता है कि 2022 की आईपीएल में हमें 8 नहीं बल्कि 10 टीमें मैदान पर खेलती हुई दिखेंगी और आपस में भिड़ती हुई दिखेंगे। और जब 10 टीमें मैदान पर उतरेंगी तो मुकाबले भी ज़्यादा होंगे, रोमांचक मुकाबले भी ज़्यादा होंगे और मज़ा भी ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीसीसीआई ने भी पूरा मन बना लिया है कि जो भी फ्रेंचाइजी होगी उससे वो भारी भरकम मोटी फीस वसूलेगा। जी हाँ, मामला कुछ इस तरीके से है कि बीसीसीआई ने ये मन बनाया है कि बीसीसीआई अब फ्रेंचाइजी के लिए 1850 करोड़ रुपए से इसकी बोली शुरू करेगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 1850 करोड़ रुपए से बोली की शुरुआत होगी। और बोली कहां तक जाएगी इस बात का तो अंदाजा भी नहीं, लेकिन कई सेठ बैठे हैं जो अपनी टीम में आईपीएल में उतारना चाहते हैं और आईपीएल में टीमों को लेकर आना चाहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पिछले काफी समय से 8 टीमें ही आईपीएल में खेल रही हैं और अब 10 टीमें देखने को मिल सकती हैं, और 10 टीमों का जो ये पूरा मामला है ये बेहद गर्म है। अब देखने की बात ये होगी कि इस पूरे मामले पर बीसीसीआई से ओर से औपचारिक घोषणा कब की जाती है और कब 10 टीमें मैदान पर उतरती हैं, क्योंकि हमें भी इंतजार है भैया, पैसा कितना भी लगे चाहे कुछ भी लगे, लेकिन हमें भी इंतजार है उन रोमांचक गेमों का, एक्साइटमेंट का और उन खचाखच भरे मैदानों का। अब देखने की बात यह होगी कि दो टीमें कौन सी आएंगी, कौन से स्टेट को ये टीमें रिप्रेजेंट करेंगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। फिलहाल के लिए इतना ही, और हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।